नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं स्वाति। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव और आयुक्त ने रीवा संभाग के पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। इस दौरान रीवा सतना सीधी सिंगरौली के एसपी मौजूद रहे। कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बैठक ली। बैठक के दौरान हर स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा व इमरजेंसी गेट लगाना अनिवार्य किया गया है। बैठक में बताया गया है कि जिलों के अंदर जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूलों में बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरा व इमरजेंसी गेट लगाना अनिवार्य है। वहीं स्कूल के टीचर कर्मचारियों की जानकारी थाने में जमा करना अनिवार्य होगा, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। आपको बता दें कि स्कूल बसों में कई प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। जिसको देखते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी वेंकटेश्वर राव ने रीवा सतना सीधी सिंगरौली एसपी की बैठक ली और सभी को निर्देश जारी किया है। आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी स्कूल प्रबंधक द्वारा लापरवाही की गई तो उन पर प्रशासन द्वारा सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी वेंकटेश्वर राव ने क्या कहा है। अभी रीवा जोन में मैं और कमिश्नर साहब ने मीटिंग कलेक्टर्स का और एसपी का मीटिंग लिया था, और इसमें मुद्दा यह था कि जो जितने भी स्कूल्स हैं उसमें उनके मैनेजमेंट को साथ मिलके हम जो है पुलिस को निर्देश दिया है कि सिक्योरिटी ऑडिट करें, मतलब स्कूल का परिसर का और स्कूल में जो काम कर रहे टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड, इन सब का जो है सिक्योरिटी ऑडिट करें और उनके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह करें और रिकॉर्ड रखें थानों में। और इसी तरह बसों जो भी चलते हैं उसमें जो निर्देश है भारत सरकार का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी, इसमें बसें जो है उसमें इमरजेंसी एग्जिट रहे और सीसीटीवीज रहे, है ना, इस तरह की एक आया रखे या टीचर रखे, इस तरह के निर्देश हमने दिया। उसको पालन करने है तो हमने सभी कल एसपी को निर्देश दिया, तो उसको हम एक आध महीने में इसको कम्प्लीट कर लेंगे। सत्ता रीवा सीधा सिंगरौली।